हां जी कीमे जी सारे सत श्री अकाल नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई अभी देख लो भाई तिरुपति की गलियों में घूम रहे हैं आप तिरुपति हैं और अभी मैं जा रहा हूं भाई रेलवे स्टेशन। सुबह के 4:30 बज चुके हैं और ट्रेन है मेरी केरला एक्सप्रेस, आज हम ट्रैवल करेंगे ट्रेन नंबर 12625 और जो त्रिवेंद्रम से न्यू दिल्ली के बीच में चलती है। अपा बोर्ड कर रहे तिरुपति से कि है होटल मेरा बिल्कुल स्टेशन के बाजू में था, 600 मीटर भी है तो सामने रेलवे स्टेशन है। और लेकिन भाई लग ही नहीं रहा सुबह के 4:30 बज रहे हैं भाई, यहाँ पर ऐसी 24/7 ऐसी क्राउड रहता है। तो भाई लीजिए आ चुके भाई तिरुपति के रेलवे स्टेशन पे और आएगी शायद नंबर 1 पे आएगी तो मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रीन बाहर भी लगी हुई है, देखो रौनक मेला देखो, सामने बस स्टैंड है, सब कुछ पास में ही है, एक एक चीज। अगर आपको तिरुमला जाना है तो वहीं बस स्टैंड तो सामने जहाँ मैं उतरा हूँ रात में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गए और देख लो बिल्कुल आखिरी कोच, दैट इज A1, सेकेंड AC में ट्रेवल कर रहे हैं, बिल्कुल आखिरी में है तो चलते हैं भाई। और रश देखो भाई प्लेटफॉर्म पे, ये क्या मुझे लगा ट्रेन आ गई, भाई से लोकोमोटिव आया ट्रेन छोड़ा है क्या पीछे भाई, ये क्या चक्कर, अनाउंसमेंट भी हो रही थी इधर से। भाई मजाक कर रहा हूँ यार, उस गाड़ी का ये वाला तो ये वाली जो गाड़ी खड़ी थी ना उसके साथ लगा हुआ था ये। चलिए भाई पूरे आधे घंटे से आ चुके भाई हमारी ट्रेन, लालगुड़ा शेड का है WEP7 लोकोमोटिव जी। तो मैं भी पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ इस ट्रेन में, सोचा भाई नई ट्रेन चूज करते और आपको ब्लॉग दिखाते हैं, त्रिवेंद्रम से न्यू दिल्ली के बीच में चलती है। अब यहाँ पर आ गए, आपको इसका जनरल कोच दिख जाएगा और अपना A1 भी आगे आ गई है। सीट नंबर 35, सीट नंबर कहीं मेंशन नहीं है यार, सारा देख लिया, सीट नंबर किधर है भाई, 35। चलिए भाई फाइनली ट्रेन निकल चुकी है तिरुपति रेलवे स्टेशन से, चलो भाई अंदर चलते हैं और आपको मिलते हैं भाई थोड़ी देर बाद। वेडिंग कर ली है मैंने, ये होती है ना बात, आप एक बार ये देखो बेडशीट एक नंबर और बिना बोले भाई टावल भी दिए, तो ये होता है मजा। सेकंड AC में ट्रैवल कर रहा हूँ, पुष्पक में भी ऐसे किया था, जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है भाई। ये साउथ की गाड़ी है ही मस्त वैसे, देखो क्लीन है बढ़िया। चलो सोते हैं, आपको मिलते हैं सुबह, गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, तो भाई अभी जस्ट मैं उठा हूँ और विजयवाड़ा आने वाला है थोड़ी देर के अंदर, और क्या बढ़िया नींद है यार। सेकंड AC में ही होता है, अपने कर्टन्स लगाए, प्राइवेसी बनाई और आराम से रेस्ट किया। लेकिन अभी थोड़ी देर में कृष्णा रिवर आ रही है तो सोचा क्यों ना आपको वो दिखाई जाए। और यहाँ पर ना इस ट्रेन में अभी सुबह सुबह उठा, पता किन की वजह से, पेंट्री वाले भाई खाना पीना पूरा दबा के बिक रहा है। लेकिन इस ट्रेन का ट्राई भी करेंगे, सुना तो है ठीक होता है और प्राइस भी ठीक देते हैं, तो चलो स्टेशन आएगा विजयवाड़ा तब वहाँ से भी कुछ ले लेंगे बिरयानी टाइप। तो गाड़ी अपनी तो भाई यहाँ पर स्लो हो गई है, मुझे तो लगता है यहाँ पर रुक जाएगी भाई फ्रिज पे, क्योंकि निकलते ही आपको बताया ना जैसे कि विजयवाड़ा स्टेशन आएगा तो लाइन क्लियर ना हो। नो नो दूसरी साइड। तो जी भाई विजयवाड़ा ट्रेन पहुंच गई है, देख लो भाई 11 बजे का ऑफिशियल टाइम था और 10:58 पे आ गए हैं भाई, 20 मिनट पहले ही आ जाते बट आउटर पे आपने देखा है ना बहुत स्लो रुक रही थी। आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर आपको भाई देखो फ्रूट्स लस्सी छाछ सब कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पर अभी खाना देखते हैं कुछ भाई, वेज बिरयानी देखो फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट मिल रहे हैं यार मस्त। क्या दादा क्रीम ब्रेड वनीला क्रीम ब्रेड 30, चलो एक ये दे दो भाई। यहाँ पर ना वेज बिरयानी नहीं मिलती, मैं हर जगह देख रहा हूँ, वेज बिरयानी मिलती है तो लेकर आते हैं, क्योंकि सब लोग अंडा और चिकन ही बेच रहे हैं, लेकिन फ्रूट्स ब्रेड भाई कितना कुछ मिल रहा है। वेज बिरयानी तो नहीं मिली, सारा प्लेटफॉर्म देख लिया, अभी ये वनीला क्रीम ब्रेड ली है और काफ़ी बिक रही थी यार, मैंने सोचा टेस्ट करते हैं, सही लग रही, बिल्कुल फ्रेश लग रही है यार ये, 30 रुपीज़ की मिली मुझे। इधर इस ट्रेन का 10 मिनट का ऑल्ट रहने वाला और अभी तक करण तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है यार, मज़ा आ गया। तो ऐसा करते हैं पेंट्री से कुछ ना कुछ खाना पीना ऑर्डर कर लेंगे और देखते हैं भाई पेंट्री का खाना कैसा है, टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा यार फ्रेश है बिल्कुल, लेकिन इसमें जो है वनीला क्रीम है। चलिए जी फाइनली हमारी गाड़ी निकल चुकी है 10 मिनट के हॉल्ट के बाद विजयवाड़ा जंक्शन से, देखो सामने आ रही है भाई अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि मालदा टाउन से बेंगलोर के बीच में चलती है, बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है भाई गाड़ी ये वाली, क्या बात है, मैं इसी का ही वेट कर रहा था, बाहर जाने लगा था इतने में आई गई।
अभी मैं ना रैंडमली इस ट्रेन के वॉशरूम में आया, मैंने सोचा चलो भाई एक बार दिखा देते हैं। भाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई स्मेल नहीं आ रही। और यहाँ पर देख लो पानी आ रहा है, सोप प्रॉपर वाला सोप रखा हुआ है। और यहाँ पर भी देख लो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। भाई सारी गाड़ियाँ ऐसे क्यों नहीं हो सकती? अभी ट्रेन लगभग 1 घंटा और 10 मिनट डिले चल रही है, बट कोई बात नहीं, शायद वो कवर कर ही लेगी। लेकिन भाई इंडियन रेलवे में सारी गाड़ियाँ ऐसी साफ सुथरी हो, थोड़ा बहुत देखो मिरर चलता है, पानी के छींटे लगते हैं, लेकिन स्मेल ना आए, वॉशरूम साफ हो तो अच्छा लगता है ट्रैवल करने में। वे वेज है? वेज नहीं है, अंडा है। नहीं नहीं वेज, वेज कुछ भी नहीं है। नहीं। चलो ठीक है। भाई हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है वारंगल में, और यहाँ पर हम पहुंचे हैं 1 घंटा 20 मिनट डिले। सही सुना आपने भाई, ये सेक्शन में गाड़ी ना लगभग डेली डिले हो रही है, लेकिन आगे जाके कवर कर लेगी। और वारंगल इज़ वेरी फेमस फॉर वारंगल फोर्ट। और यहाँ पर यार भूख लग रही थी मेरे को, मैंने ट्रेन में उनसे पूछा कि भाई कुछ खाने पीने के लिए है, कह रहे सब नॉन वेज है। तो चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं यार, ये गिर गए यार बेचारे। बाकी यहाँ पर भी यार खाने पीने को मेरे को कुछ ऐसा दिख नहीं रहा सच। और ट्रेन में यार नॉन वेज बिरयानी अंडा बिरयानी मिल रही थी, तो देखते हैं उस साइड पे तो कुछ है, लेकिन मेरा कोच है बिल्कुल आगे। और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और इस ट्रेन का सिर्फ यहाँ पर 2 मिनट का ही हॉल्ट है। नॉन स्टॉप भी चलती है, लगभग अगला स्टेशन पता नहीं कौन सा है, लगभग 100-150 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच रहता है। चलिए ट्रेन निकल चुकी है वारंगल से, अब बात कर लेते हैं ट्रेन की टाइमिंग की। 1:26:25 ट्रेन नंबर, डेली ट्रेन है, लगभग 50 घंटे का रन करती है, 3000 किलोमीटर कवर करती है त्रिवेंद्रम से लेकर न्यू दिल्ली के बीच में। और देख लो भाई मैक्सिमम इसको स्पीड मिली है 130 की। और भाई गाड़ी ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन चल रही है, ये तो खास बात लगी। बाकी देखते हैं भाई कुछ खाने पीने को मिलता है तो ले लेते हैं, बैठे से यार जैसे स्नैक्स मिले चाहे कुछ, भूख लग रही है। एक तो खाली पेट भी रहना भी ना सही नहीं होता है। भाई ये खड़ी है तेलंगाना एक्सप्रेस, हैदराबाद से दिल्ली के बीच में चलती है। ऑलरेडी मैं इसमें जर्नी कर चुका हूँ, ये इन दिनों में तो काफ़ी लेट चल रही थी पहले, अब शायद ये अभी नॉट श्योर आज लेट चल रही है ऑन टाइम चल रही है, बट काफ़ी अच्छी गाड़ी है भाई। ताबड़ तोड़ क्रॉसिंग भाई, मज़ा आ गया। चेक करो भाई करंट ऑपरेटिंग स्पीड 130 की फ्लैट, बोला था ना आपको मैक्सिमम इसके ऊपर 130 मिली हुई है, और अब जाकर मुझे 130 देखने को मिली। बेंगलोर राजधानी, इसी को ट्रैक कर रहा था यार, ये सारी ट्रेन्स कैसे मेरे से मिस हो रही हैं। ट्रेन पहुंच चुकी है रामगुंडम में, और यहाँ पर देखो कितनी सुंदर पेंटिंग्स की हुई है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर भाई हम आधा घंटा डिले पहुंचे हैं, 1 घंटा 20 मिनट डिले थी हमारी पिछले स्टेशन पे वारंगल पे, क्योंकि इस ट्रेन को भाई स्लैग दिया गया था और आगे भी स्लैग दिया गया है, तो बलारशाह तक भी भाई बिफोर ही पहुंच जाएंगे मुझे जहां तक लगता है। चलिए करेक्ट 2 मिनट के बाद हमारा सिग्नल भी हो चुका है और सीधा ग्रीन, क्योंकि आई गेस जिसवानी इज मेन लाइन ना, तो डायरेक्ट भाई सिग्नल हो चुका है। देखो ऊपर जा रही है, ये केले से बनता है यार, लेकिन मीठा होता है ना, नहीं मिर्ची बड़ा है तो बताना है। तो भाई अभी ये परम पुली पता नहीं भैया बेच रहे थे जो केले से बनता है, मैं कहा वो तो मैं खाता नहीं, मिर्ची बड़ा होगा तो खा लेंगे, अब हाथ धो लेते हैं चलते हैं। मैं जब भी भाई गेट पे जाता हूँ ना मैं हैंड वॉश करके जाता हूँ। 12 मिनट बिफोर पहुंच चुके हैं बलारशाह में, मैंने आपको बोला था ना भाई बिफोर ही गाड़ी पहुंच जाएगी, वैसे तो आधे घंटे से ज्यादा बिफोर पहुंच जाते, बट आउटर पे रोक के रखा। और आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको खाने पीने की काफी ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट यार आपको पता हमारा कोच है आगे, तो भाई आगे तो कुछ इतना खास मिल नहीं था, लेकिन देखो कितना बढ़िया लग रहा है वेदर, अब यहाँ का वेदर अच्छा हो रहा है अभी, तो यहाँ से फ्रूट्स या कुछ खाने को ले लेते हैं। बाकी यहाँ पर गाड़ी का स्टाफ भी चेंज हुआ, और जो वाटर फ्यूलिंग है वो सब कुछ यहीं पर ही होता है भाई इस गाड़ी का, तभी इस गाड़ी को यहाँ पर 10 मिनट का या 5 मिनट का हॉल्ट भी दिया जाता है। मैंने आपको टिकट पोस्टिंग तो बताया नहीं, मैंने इस ट्रेन में टिकट बुक किया लगभग 3100 रुपीज़ में फ्रॉम तिरुपति टू दिल्ली, तो अगर आप त्रिवेंद्रम से बुक करेंगे तो शायद आपको 4000 के करीब पड़ेगी। Thank you.
हाँ जी भाई, संतरों के शहर नागपुर में पहुंच चुके और यहाँ पर हमारी गाड़ी पहुंची आधा घंटा डिले। वैसे तो भाई बिफोर ही आ रही थी, लेकिन वे आगे चल रही है। कोंगू एक्सप्रेस है, पता नहीं कौन सी है वो, भाई यहाँ पर खड़ी थी इसलिए भाई वो निकली। वो भी दिल्ली जा रही है इसलिए हम भाई लेट पहुंचे हैं। यहाँ से भाई देख लो अपना पूरा कोच फुल हो जाएगा, सारा जनरल से लेकर सब पूरा पैक हो रहा है। अभी तक तो भाई गाड़ी नागपुर तक तो भाई ज्यादा भर के नहीं आती, लेकिन अभी देख लो अपना कोच। नागपुर से निकलने के बाद गाड़ी का नॉन स्टॉप रन है इटारसी तक, तो ऐसा करते हैं भाई चलते हैं सोने के लिए। आपको मिलते हैं सुबह मॉर्निंग शॉट्स के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई पहुंचने वाले हैं झांसी में वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पे। अभी बस गाड़ी देखो थोड़ी सी धीरे हुई है भाई, नॉन स्टॉप 130 और बिल्कुल ऑन टाइम हमारी गाड़ी चल रही है भाई। मौसम देखो बाहर ऐसे लग रहा है बारिश होगी, हटी है। देखो ट्रैक पे भी पानी दिख रहा होगा आपको। है ना, अभी बारिश होगी हटी है भाई, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर। बस अभी आउटर पे पहुंच गए हम झांसी के। और ये कौन सी गाड़ी है समझ नहीं आया। यहाँ पर अपना आ चुका ब्रेकफास्ट, बाहर हो रही है बारिश और देख लो यहाँ पर आ चुका अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में उपमा और एक वड़ा लिया है 40 रुपीज़ का बड़ा। तो पहले भाई बारिश का नज़ारा लेते रहते, इसको एंजॉय करते और बता देंगे एंड में टेस्ट कैसा है इसका। तो भाई आगे आगे चल रही है उत्कल एक्सप्रेस, क्लिंग उत्कल एक्सप्रेस, लेकिन तभी भाई हमारी स्पीड बन नहीं पा रही यार। अभी हमें ग्वालियर से पहले रोक के रखा हुआ है, लगभग 20 मिनट हो गए, और क्योंकि यहाँ पर आने वाली है देश की फास्टेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस रानी कमलापति निज़ामुद्दीन वंदे भारत, लेकिन एक घंटे से भी ज़्यादा डिले हो चुके हैं यार। अब डिले ही होते रहेंगे दिल्ली तक, पक्का 2-3 घंटे डिले होने वाली है गाड़ी। अब तो लीजिए, थोड़ा उधर हो जाओ भैया, थोड़ा उधर खड़े हो जाओ, सेफ नहीं है। तो भाई ये रही भाई देश की वंदे भारत, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है। वो देखो कहाँ खड़े हैं, बहुत गलत खड़े हैं भाई, यहाँ पर खड़े ना हो ऐसे। कितनी तेज गई है भाई शताब्दी एक्सप्रेस भाई, अब जाके हमारी ट्रेन चली है। तो अभी चंबल रिवर आ रही है, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में आप सभी का स्वागत है। देख लो भाई ट्रेन यहाँ पर 1.5 घंटा डिले पहुंची है इस ट्रेन की वजह से भाई, क्योंकि ये ट्रेन रात से आगे आगे थे हमारे कोयम्बटूर से निजामुद्दीन चलते है। थोड़ा उल्टा उल्टा यार, इस ट्रेन की वजह से हम 1.5 घंटा लेट हो गए, आगे आगे लगती रही। अभी जस्ट ये निकली है फिर हमारी आई है। अरे बस ये गाड़ी निकल गई है, इसके बाद अपना बारी है। गाड़ी वैसे रन तो अच्छा है लेकिन लेट हो गई, चलो चलता रहता है यार। कैसे अपनी मुलाकात हो गई, ऐसा ही होता है मुलाकात। तुम्हारा एक ब्लॉग देखा था यार, तुम कह रहे थे खाना नहीं बड़े मिल रहा, तुम्हारा जुड़ा तुम्हारा ही आएगा सामने आ जाएगा, अभी वीडियो सामने आ गया ना सामने। हाँ
हाँ जी गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं भाई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और टाइम हो गया 3:15 के करीब। गाइस तो भाई दिल्ली पहुंच के घर आ चुके थे और इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। अब नेक्स्ट जो सीरीज है ना, 2-3 दिन बाद एक ब्लॉग दिखेगा आपको बहुत ही स्पेशल, उसके बाद एक नेक्स्ट सीरीज आ रही है बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा। मतलब मैं एक्साइटेड बहुत ज्यादा उसके लिए। और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, पता नहीं क्यों आपको भाई ट्रेन जर्नी से पसंद नहीं आ रही है, क्या यूट्यूब का क्या इशू है नॉट श्योर भाई, बट ठीक है अपनी मेहनत कर रहे हैं और दिखाते रहेंगे आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, तो दिखाने को मिलता ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है आपको। अभी 2-3 दिन बाद बड़ी एक्सक्लूसिव कंटेंट आप सबके सामने होगा। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक करना, चैनल पर नए मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।